हाय एवरीवन, भाइयों आप सभी के लिए जो है एक गुड न्यूज़ है जो कि बजाज की ओर से है। बजाज जो है न्यू पल्सर आरएस 200 को जो है लॉन्च कर रहा है इंडियन मार्केट में। काफ़ी सारा जो है उसमें बदलाव होने वाला है, लुक्स वगैरह जो है काफ़ी चेंज होने वाला है। तो क्या कुछ जो है पल्सर आरएस 200 में चेंज होने वाला है, क्या क्या आपको उसमें जो है फीचर्स जो है न्यू देखने को मिलेगा, सारा कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको जो है बाइक्स अपडेट जो है मिलता रहता है। तो सबसे पहले जो है आपको पल्सर आरएस 200 का जो है फर्स्ट अपडेट बताते हैं, जो कि लुक्स के साथ जो है काफी ज्यादा चेंजेस होने वाला है। कंपनी उसमें जो है आपको ट्विन एलईडी प्रोजेक्टर जो है प्रोवाइड करने वाली है। अभी जो है उसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलता था, लेकिन उसमें जो है अब आपको एलईडी में प्रोजेक्टर मिलेगा। काफी अच्छा जो है लुक निकल के आएगा। एलईडी में जो है आपको कंपनी डीआरएल भी जो है प्रोवाइड करेगी। फ्रंट से जो है काफी जबरदस्त और मस्कुलर जो है लुक होने वाला है। और जो है फ्रंट में अभी जो है उसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन उसमें जो है अब आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। परफॉर्मेंस जो है काफी बेहतरीन हो जाएगा। डुअल चैनल एबीएस जो है आपको अभी उसमें मिलता है, तो डुअल चैनल एबीएस जो है कंटिन्यू आपको उसमें मिलता रहेगा। डिस्क ब्रेक जो है फ्रंट में आपको 300 mm का मिलेगा। काफ़ी अच्छा जो है आपको ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपको N160 में देखने को मिलता है, सेम जो है आपको RS 200 में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा जो है ब्रेकिंग आपको उसमें मिलने वाला है। सेफ्टी वाइज जो है काफ़ी अच्छा जो है काम कर रहा है बजाज। और जो है पल्सर RS 200 जो है BS6 फेज 2 फ्लैक्स फ्यूल के साथ जो है लॉन्च होने वाला है, जो कि E20 टेक्नोलॉजी पे चलेगा, जो कि 80% एथेनॉल से जो है वो बाइक को आप चला सकते हैं। मतलब 80% जो है पेट्रोल का मिक्सचर रहेगा, 20% जो है उसमें आपको एथेनॉल रहेगा। तो दोनों का मिक्सचर से जो है गाड़ी चलेगा। माइलेज वगैरह जो है काफ़ी अच्छा निकाल के दे देगा। अभी बाइक का जो प्राइस है वो जो है अभी 1,90,000 के अप्रॉक्स है, जो कि उसका ऑन रोड प्राइस। लेकिन प्राइस भी जो है हल्का फुल्का इंक्रीज़ होने वाला है, आप मान सकते हैं मोटा मोटा जो है 10,000 से 15,000 जो है इंक्रीज़ होने वाला है। 2,00,000 के प्लस ही जो है उसका ऑन रोड प्राइस जाएगा। और भी काफ़ी सारा उसमें जो है चेंजेस होने वाला है, जैसे कि उसके इंजन के साथ चेंजेस हो सकता है। इंजन जो है उसमें अब नया आने वाला है, जो कि उसके न्यू इंजन का जो है टेस्टिंग भी चल रहा है इंडियन मार्केट में, जो कि वो इंजन पहले जो है RC 200 में जो है लॉन्च होगा, KTM RC 200 में। उसके बाद जो है उसको ट्यूनिंग करके RS 200 में जो है लॉन्च कर देगा। तो काफ़ी जो है परफॉर्मेंस वाइज इंजन भी अच्छा होने वाला है। पावर जो है आपको हमेशा से पल्सर में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसी के वजह से जो है आपको पल्सर बाइक का जो है इतना सेल हो रहा है। पल्सर जो है हमेशा से पावर के वजह से जाना जाता है, और पावर के वजह से जो है लोग उसे लेना पसंद करते हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। मीटर कंसोल की अगर बात करें तो उसमें भी जो है हल्का फुल्का चेंजेस होने वाला है। मीटर कंसोल में जो है आपको रियल टाइम माइलेज का भी जो है पता चलेगा, लेकिन उसका जो मीटर कंसोल है वो आपको सेमी डिजिटल ही मिलेगा, जो कि उसमें आपको एनालॉग में RPM मीटर मिलता है वो जो है आपको सेम टू सेम मिलेगा। लेकिन उसमें जो है आपको रियल टाइम माइलेज का जो है आप पता चलने लगेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर का पता चलेगा, और जो है आप उसमें डेट टाइम देख सकते हैं। और हो सकता है कि बजाज उसमें जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे दे। काफ़ी सारा जो है कॉस्मेटिक चेंजेस भी जो है बजाज उसमें करने वाला है। काफ़ी अच्छा जो है कंपटीशन देगा R15 को, जो कि उसके लुक से जो है काफ़ी बेटर लुक हमको पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है RS 200 का लुक। और कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो अभी अगर देखें तो RS 200 में जो है आपको 3 कलर ऑप्शन मिलता है। तो न्यू अपडेट जो आएगा उसमें जो है आपको न्यू कलर्स भी जो है देखने को मिल सकता है। कलर्स के मामले में भी जो है बजाज उसमें चेंजेस करेगा। ग्राफिक्स वगैरह भी आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सारा जो है इसमें चेंजेस होने वाला है। आप अगर बात करें कि ये बाइक कब लॉन्च होगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि इसी साल जो है जुलाई अगस्त के बीच में जो है ये बाइक लॉन्च हो जाएगा। आप लोगों के साथ जो है कंफर्म डेट शेयर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंफर्म डेट जो है निकल के अभी तक नहीं आया है। लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि इस साल के मिड में आपको इतना सारा जो है अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है पल्सर RS 200 कैसा लगता है, आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये भी आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।